आज मैं आपको बताऊंगा द इनविजिबल मैन नॉवेल की कंप्लीट समरी। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो। द इनविजिबल मैन ये नॉवेल लिखी है एचजी वेल्स ने। दोस्तों इस नॉवेल की स्टार्टिंग होती है एक स्ट्रेंजर से, जो कि ब्रेम्बलस रेलवे स्टेशन से कोच एंड हॉर्स नाम की एक इन पर आता है। उस इन की मालकिन होती है मिसेस हॉल। तो जब स्ट्रेंजर इन पर आता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है मिसेस हॉल से, जिससे वो बार्गेनिंग करता है रूम के लिए। स्ट्रेंजर फरवरी के महीने में उस इन पर आता है और फरवरी के महीने में इपिंग में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। दोस्तों इपिंग उस विलेज का नाम है जहाँ पर कोच एंड हॉर्सेस नाम की इन थी। स्ट्रेंजर का अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होता है, क्योंकि उसने अपने आप को सर से पांव तक पूरी तरह ढक रखा था। उसने अपने मुंह को भी ढक रखा था, तो इससे मिसेस हॉल बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। लेकिन फिर भी वो उस स्ट्रेंजर को वहाँ पर रूम दे देती है, क्योंकि ये फरवरी का महीना था, वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी और अक्सर इस टाइम पर इपिंग में ज्यादा गेस्ट नहीं आया करते थे। तो पैसे के कारण उस स्ट्रेंजर को वहाँ पर रूम दे देती है। फिर स्ट्रेंजर और मिसेस हॉल के बीच में शुरू से ही नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद स्ट्रेंजर की रूम की घड़ी खराब हो जाती है, तो टेडी हेनरी नाम के एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कि उसकी घड़ी को ठीक करता है। लेकिन स्ट्रेंजर की उससे भी बहस हो जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। फिर अगले दिन स्ट्रेंजर का सामान आता है ब्रेम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से, जिसको फियरन साइड नाम का एक व्यक्ति अपनी कार्ट में लेकर आता है। उसके साथ उसका एक डॉग भी आता है, जो कि स्ट्रेंजर को काट लेता है और इसके कारण स्ट्रेंजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। इपिंग में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर कस, और उसको स्ट्रेंजर की बॉटल्स और उसके एक्सपेरिमेंट्स के सामान से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो वो स्ट्रेंजर के पास जाता है स्ट्रेंजर का इंटरव्यू लेने। तो शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, स्ट्रेंजर से अपनी सारी बातें बताता है। लेकिन इतने में डॉक्टर कस स्ट्रेंजर की हाथ को देखते हैं, उसके हाथ से लाइट आर पार हो रही थी। वो डॉक्टर कस स्ट्रेंजर से पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। उस पर स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना टेंपर लूज कर देता है और डॉक्टर कस की नोज को ट्विक करके वहां से चला जाता है। रेलवे स्टेशन से सामान आने के बाद स्ट्रेंजर सभी सामान को अनपैक करता है। उसमें से बहुत सारी बॉटल्स और कुछ इक्विपमेंट्स निकलते हैं, जिसको वो पूरे रूम में फैला देता है। तो इससे मिसेस हॉल बहुत नाराज होती है और स्ट्रेंजर से बोलती है कि इसको साफ कौन करेगा। तो उस पर स्ट्रेंजर बोलता है कि आप ही साफ कर लीजिए और मैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। फिर थोड़ी दिन बाद इपिंग के चर्च के पादरी विकार बंटिंग के यहाँ पर चोरी होती है और उस चोरी के पीछे लोगों का शक जाता है इनविजिबल मैन पर। तो ये विट मंडे का दिन था, जब मिसेस हॉल और उसका पति पार्लर में जाकर स्टॉक को चेक कर रहे थे। तो तभी मिस्टर हॉल कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए ऊपर आते हैं पार्लर से। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि इनविजिबल मैन के रूम का दरवाजा खुला है, तो वहाँ पर वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी मिसेस हॉल भी नीचे से वहाँ पर आ जाती है, तो वो देखते हैं कि फर्नीचर वहाँ का एकदम पागल सा हो जाता है, मतलब फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है। तो उस पर मिसेस हॉल को लगता है कि कोई भूत या आत्मा इस फर्नीचर में समा गई है और उसको भगाने के लिए वो सैंडी बेजर्स नाम के एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तो इस घटना से मिसेस हॉल को बहुत ज्यादा सदमा लगता है और फिर वो स्ट्रेंजर को खाना भी नहीं देती है। तो स्ट्रेंजर को इससे गुस्सा आ जाता है और वो मिसेस हॉल के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आपने मुझे सुबह से खाना क्यों नहीं दिया है। तो उस पर मिसेस हॉल बोलती है कि आप पहले मुझे अपना पेमेंट दीजिए। तो उस पर स्ट्रेंजर उसे कुछ निकाल कर पैसे देता है। तो मिसेस हॉल बोलती है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि दो दिन पहले ही विकार बंटिंग के घर पर चोरी हुई थी, क्या आप तो उसमें शामिल नहीं थे। तो इस पर स्ट्रेंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस पर सस्पिशन किया जाता है और वो बोलता है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वो धीरे धीरे अपनी पट्टियां खोलने लगता है। तो इससे मिसेस हॉल एकदम घबरा जाती है और वो बाहर की तरफ भागने का प्रयास करती है। तभी गांव के और भी लोग वहां पर आ जाते हैं और कांस्टेबल जेफर्स नाम के कांस्टेबल भी वहां पर आते हैं। तो इनविजिबल मैन धीरे धीरे अपनी सारी पट्टियां उतार रहा था और वहां पर अब एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसका सिर्फ होंठ था और ऊपर का सर पूरा गायब था। तो कांस्टेबल जेफर्स इनविजिबल मैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस पर इनविजिबल मैन जेफर्स को धक्का दे देता है और जेफर्स वहीं पर गिर जाता है और इनविजिबल मैन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वहां से इनविजिबल मैन भाग कर कहीं बाहर चला जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक आवारा से जिसका नाम है मार्वेल। तो वो मार्वेल को कन्विंस करता है कि आपको मेरी सारी बुक्स लानी है और वो उसको डरा भी देता है ताकि वो उसका काम पूरा कर दे। तो मीनवाइल डॉक्टर कस और विकार बंटिंग इनविजिबल मैन के सामान को और उसकी डायरीज को देखने लगते हैं। तो
कभी इनविजिबल मैन और मार्वल वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से बुक्स को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब वो बुक्स को ले जा रहे होते हैं तब गांव वालों को उसकी भनक पड़ जाती है और वो भी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इनविजिबल मैन कुछ गांव वाले को वहाँ पर मारता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस काम ने खतरा देखकर अब मार्वल इनविजिबल मैन से पूछता है कि वो अब आगे ये काम नहीं करेगा। देता है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। तो ये सब सुनकर मार्वल वहाँ से इनविजिबल मैन की तीन बुक्स लेकर भाग जाता है। तो उसका पीछा करते करते इनविजिबल मैन भी आता है। तभी इंट्रोडक्शन होता है कैंप का। ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर कैंप अपने रूम में बैठे हुए थे और वो वहाँ से खिड़की के नीचे देख रहे थे। तभी उनको दिखता है कि एक आदमी पहाड़ी से दौड़ते हुए आ रहा है और वो दौड़ते दौड़ते एक जॉली क्रिकेटर नाम की इन में चला जाता है। तो वो आदमी और कोई नहीं, वो मार्वल ही था जो कि जॉली क्रिकेटर नाम की इन में जाता है। तो इन में उसको तीन चार आदमी मिलते हैं जिसमें एक ऑफ ड्यूटी अमेरिकन पुलिसमैन भी होता है। वो उनसे बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक पागल इनविजिबल मैन पड़ा हुआ है। तो इस पर वहाँ के सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी पीछे वाले दरवाजे से इनविजिबल मैन अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर भी हंगामा करता है। तो इतने में एक अमेरिकन अपनी पिस्टल को निकालता है और वो उसको फायर कर देता है। तो फायरिंग में इनविजिबल मैन के हाथ में चोट लग जाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर इनविजिबल मैन पास ही में बने कैंप के घर पर चला जाता है। वो वहाँ की बेल को बजाता है तो वहाँ की मेड वहाँ का दरवाजा खोलती है, लेकिन उसको दरवाजे पर कोई नहीं दिखता। लेकिन इतने में इनविजिबल मैन अंदर आ जाता है। फिर कैंप नीचे आकर अपनी मेड से पूछता है कि दरवाजे पर कौन था। तो उस पर उसकी मेड बोलती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं था, सिर्फ बेल ही बजी थी। तो उसको थोड़ी देर बाद जब वो अपने रूम में जा रहा होता है तो उसको ब्लड स्टेन्स दिखते हैं। तो वहाँ पर एक फ्लोटिंग बैंडेज उसको दिखती है, तो वो बैंडेज ग्रिफिन की होती है। फिर ग्रिफिन डॉक्टर कैंप को बोलता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों पहले एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट थे और मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट हो गया, इसके कारण मैं फिजिक्स की स्टडी करने चला गया। फिर डॉक्टर कैंप उसकी पट्टी करते हैं और उसको वहाँ पर खाना भी खिलाते हैं। फिर डॉक्टर कैंप इनविजिबल मैन को सोने के लिए बोल देते हैं और मीनवाइल वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जहाँ पर उनको पता लगता है कि इनविजिबल मैन एक बहुत ही खतरनाक अपराधी है और इसीलिए उसको पकड़ने के लिए वो कर्नल एडी को एक पत्र भी लिखते हैं। फिर अगले दिन सुबह इनविजिबल मैन डॉक्टर कैंप को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि कैसे वो पहले अपने पिता के घर पर रहता था, जहाँ पर वो अपनी पूरी स्टडी को करता था, वो लाइट थ्योरी के बारे में पढ़ता था और फिर इनविजिबिलिटी के फॉर्मूले पर काम करता था। लेकिन उसको कुछ पैसों की जरूरत थी तो उसने अपने ही पिताजी के घर को लूट लिया था और इसके सदमे से उसके पिताजी ने खुद को ही गोली मार ली और फिर इनविजिबल मैन उनके पिताजी के फ्यूनरल में तक भी नहीं गया, क्योंकि उसको अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना था। और अपने पिताजी की मौत के बाद उसको अपना होम टाउन जैसल स्टोव भी छोड़ना पड़ा और वो वहाँ से लंदन चला गया, जहाँ पे उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और उसने एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया जिससे वो किसी भी चीज को इनविजिबल कर सकता था। सबसे पहले उसने इस एक्सपेरिमेंट को एक भूल पर किया जो कि सक्सेसफुल रहा। फिर उसने कैट पर उस एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन कैट ने कुछ आवाज कर दी तो इससे वहाँ के लैंडलॉर्ड वहाँ पर आ गए। फिर ग्रिफिन की लैंडलॉर्ड से बहस हो गई और ग्रिफिन ने वो फॉर्मूला भूल पर याद मान लिया और वो इनविजिबल बन गया। अब ग्रिफिन को इनविजिबल बनना तो आता था, लेकिन इनविजिबिलिटी को रिवर्स करना नहीं आता था, तो वो हमेशा के लिए इनविजिबल बन गया। और जाते जाते उसने अपनी इम्पोर्टेंट डायरी सेफ जगह पर पहुंचा दी और उसने पूरे कमरे को भी आग लगा दी ताकि किसी को पता न चल सके कि वो किस चीज पर रिसर्च कर रहा था। फिर वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा परेशानियां थी। जब भी वो कहीं पर बाहर जाता था तो वो ज्यादा लोगों के बीच घुल मिल नहीं सकता था, वो सब लोगों के बीच में खाना भी नहीं खा सकता था, क्योंकि जैसे ही वो खाना खाता था तो खाना उसके शरीर के आर पार दिखता था, तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो एक शांत जगह ढूंढ रहा था। फिर उसने देखा कि इपिंग एक बहुत ही शांत जगह है जहाँ पर वो आराम से अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर सकता था, तो इपिंग आ गया। लेकिन इपिंग के लोगों ने भी उसको शांति से नहीं रहने दिया, तो फिर उसकी मुलाकात मार्वल से हुई जिससे उसने अपनी कुछ डायरी मंगवाने का काम दिया था, लेकिन मार्वल ने वो सही से नहीं किया और वो उसकी इम्पोर्टेंट डायरीज लेकर भाग गया, तो इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर कैंप इस स्टोरी को सुन रहे थे, लेकिन वो ये भी ध्यान रख रहे थे कि इनविजिबल मैन का ध्यान खिड़की से बाहर न जाए, क्योंकि कर्नल एडी जल्दी वहाँ पर आने वाले थे। फिर कुछ ही टाइम बाद नीचे हलचल चालू हो जाती है, तो इससे ग्रिफिन को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर ग्रिफिन कैंप को एक लेटर लिखता है कि आपने जो किया ये बहुत बुरा था और इसीलिए आज तुम्हें मरना होगा। तो इस पर डॉक्टर कैंप कर्नल एडी को एक पत्र लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि ग्रिफिन ऐसा बोल रहा है,
तो इस पर कर्नल एडी वहाँ की सिक्योरिटी को टाइट कर देते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिसमैन को एम्प्लॉय कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद किचन के दरवाजे से किसी खिड़की के फूटने की आवाज आती है, तो वो इनविजिबल मैन था जो कि कैम के घर में आ चुका था, और वो वहाँ पर आके भी बहुत ज्यादा हंगामा करता है और इनविजिबल मैन कर्नल एडी से कहता है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, उसको अपना बदला पूरा करने दीजिए। लेकिन कर्नल एडी वहाँ से नहीं जाते हैं और ग्रिफिन एक रिवॉल्वर से कर्नल एडी पर शूट कर देता है जिससे कर्नल एडी वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन इस टाइम तक डॉक्टर कैम और उसकी मेट घर से भागने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो सीधे सीधे भागते हैं और बीच में उनको एक मजदूर यूनियन का जुलूस मिलता है, तो वहाँ पर डॉक्टर कैम रुक जाते हैं और इनविजिबल मैन उसके पीछे पीछे ही भागता है, वो डॉक्टर कैम को पकड़ लेता है। लेकिन इतने में वो सब भीड़ मिलकर इनविजिबल मैन को पकड़ लेती है और उसको लातों घूसों से वहीं पर मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद इनविजिबल मैन भी विजिबल हो जाता है और उसकी डेड बॉडी सड़क के बीच में पड़ी रहती है। तो इस पूरी नॉवेल से हमें पता लगता है कि साइंस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है, मतलब अगर कोई साइंस को अच्छे से यूज करे तो वो ह्यूमैनिटी में जान जान लगा सकता है, लेकिन अगर कोई साइंस का बुरा इस्तेमाल करे तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी नॉवेल, और अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल में पूरी नॉवेल को समझें तो आप चैप्टर वाइज वीडियोस को जरूर देखिएगा।